कोरोना काल में सबसे ज्यादा मौज अगर किसी समुदाय ने ली है तो वो है टीचर समुदाय। दुनिया इधर की उधर हो गई, दुनिया में तहलका मच गया, लोगों की नौकरियां छूट गई, यहां तक कि खाने पीने के लाले पड़ गए और लोगों को दर दर के ठोकरे खाने को लोग मजबूर हो गए, लेकिन टीचर्स सैलरी लेते रहे। टीचर्स की जॉब पे कोई भी आंच नहीं आई, और सैलरी ही नहीं बल्कि टीचर्स फ्री की सैलरी लेते रहे क्योंकि स्कूल तो बंद हो गए थे, फिर सैलरी किस चीज की, तो यही कहेंगे कि टीचर्स फ्री की सैलरी लेते रहे। अगर आप भी यही कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं, अगर आपके मन में भी ऐसा ही कुछ चल रहा था, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, और हाँ हिम्मत हो तो ही आगे बढ़ना, नहीं तो वीडियो को यहीं छोड़ पे चले जाना। तो चलिए अगर हिम्मत है वीडियो पूरी देखने की तो स्टार्ट करते हैं। लॉकडाउन लग गया, स्कूल बंद हो गए, सारी पढ़ाई ऑनलाइन होने लगी, टीचर्स बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने लगे, जो टीचर्स फोन से दूर रहा करते थे उन्हें फोन अपने तकिए के नीचे रखना पड़ा, जो टीचर्स टेक्नोलॉजी की दुनिया में नहीं जानते थे, टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाते थे, उन्हें टेक्नोलॉजी को समझना पड़ा, जानना पड़ा। गूगल मीट के जरिए बच्चों को पढ़ाने लगे, जूम ऐप के जरिए बच्चे पढ़ने लगे, गूगल क्लासरूम और ना जाने ऑनलाइन गैजेट के जरिए बच्चे बच्चों को पढ़ाने लगे। कभी वीडियो बनाते घर पे तो बच्चों को पोस्ट कर दिया, बच्चों को पढ़ाने में टीचर्स ने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी, और लोग कहते हैं टीचर्स ने तो फ्री की सैलरी ली है। कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ाना ऑनलाइन पढ़ाना कोई बड़ी बात है, इसी दौरान टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाने लगी, स्कूल में सूखा राशन बांटने लगे, डेली रोज का बच्चों को खाना बांटने लगे, कहां टीचर्स और यहां खाना बांटने की भी ड्यूटी टीचर्स की, और वो हंसते हंसते ड्यूटी देने लगे। जहां लोग घरों में बैठे हुए थे वहीं टीचर्स अपनी जान की परवाह न करते हुए, अपने परिवार की परवाह न करते हुए स्कूलों में तैनात होने लगे, और यही नहीं डॉक्टर्स की नर्स की जब कमी महसूस होने लगी तो क्वारंटाइन सेंटर में भी टीचर्स को तैनात किया जाने लगा, और लोग कहते हैं कि टीचर्स ने फ्री की सैलरी ली, लोग कहते हैं टीचर्स ने मौज लिए, घर घर जाकर के लोगों के स्वास्थ्य की जांच करना, रिपोर्ट बनाना और उसे डॉक्टर्स तक पहुंचाना टीचर्स करने लगे। जो टीचर्स थे वो डॉक्टरी भी धीरे धीरे सीखने लगे, और लोग कहते हैं कि टीचर्स ने फ्री की सैलरी लिए, आगे आगे क्या होता है तो चलिए वो भी समझ लीजिए। इसी दौरान एक आदेश आया कि जो बच्चे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे गांव चले गए थे, काफी सारे बच्चे कमरा मकान शिफ्ट कर चुके थे, यहां से वहां जा चुके थे, तो आदेश आता है, ऑर्डर आता है कि उन बच्चों को ट्रैक कीजिए। तो टीचर्स गली गली घर घर जाकर के बच्चों की मॉनिटरिंग करने लगे, बच्चों को तलाशने लगे, बच्चों से कनेक्टिविटी बनाने लगे, बच्चों को ढूंढने में लगे, और दूसरी तरफ पढ़ाई भी बच्चों की जारी रखी, और कोई भी कमी बच्चों को नहीं आने दिया, स्कूल की कमी महसूस नहीं होने दी, और लोग कहते हैं कि टीचर्स ने तो फ्री की सैलरी ली है। और इसी दौरान स्कूल खुलने लगे, स्कूल खुलते ही बच्चों की पढ़ाई, बच्चों ने ऑनलाइन कितना पढ़ा कितना समझा, टीचर्स इसकी सर्वे करने लगे, फिर से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाए कंटेंट का रिवीजन स्कूल में करवाने लगे, जितना भी बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ा उसे दोबारा से रिकॉल करना, बच्चों को पढ़ाना शुरू होने लगा। एग्जाम नजदीक आने लगा, चिंता टीचर्स की बढ़ने लगी, किस तरह बच्चों का रिजल्ट अच्छा हो, किस तरह सारे बच्चे पास हो, किस तरह हर बच्चे को रिजल्ट के अच्छे परिणाम तक पहुंचाया जाए, बस
इसी होड़ में टीचर्स लग गए और हर संभव टीचर्स प्रयास करने लगे और लोग कहते हैं कि टीचर्स ने तो मौज जम के लिए, बताइए यहाँ कहाँ मौज है टीचर्स की। टीचर्स रात दिन सुबह शाम उन्हीं बच्चों के बारे में सोचने लगे कि कैसे बच्चों का रिजल्ट अच्छा हो, बच्चों का जो रिजल्ट है बहुत अच्छा हो और कोई भी बच्चा फेल ना होने पाए। ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन पेपर तो करवाए थे, लेकिन स्कूलों के खुलते ही पूरे साल भर होने वाले पेपर्स को किस तरह से 2 से 4 महीने में करवाए जाएं, इसी होड़ में लग गए और एक के बाद दूसरे पेपर, एक क्लास के बाद दूसरे पेपर और लगातार पेपर के साथ पेपर टीचर्स करवाने में लग गए और लोग कहते हैं टीचर्स ने तो बहुत मौज लिए। और पेपर ही नहीं, ऑफलाइन में भी पेपर बंडल और चेकिंग करने की भरमार हो गई। एक के बाद दूसरा पेपर, दूसरे के बाद तीसरा पेपर, एक क्लास का पेपर खत्म होते ही दूसरे क्लास का स्टार्ट और दूसरे क्लास का पेपर खत्म होते ही फिर से पहले क्लास का पेपर स्टार्ट होने लगा और टीचर्स मस्त हो गए पेपर चेकिंग करने में। टीचर्स ने अपने घर को भी स्कूल बना दिया और घर और स्कूल में कोई अंतर ही समझ में नहीं आ रहा था और लोग कहते हैं कि टीचर्स ने तो बहुत मौज लिए, फ्री की सैलरी ली और नौकरी में जॉब में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ ऑनलाइन का काम, ऑफलाइन का काम, ये वाला काम, वो वाला काम, पेपर चेकिंग, बच्चों को रिजल्ट तक पहुँचाना और टीचर्स का काम तो ट्रिपल होने लगा, डबल से ट्रिपल और बढ़ने लगा। ये है टीचर्स के वो काम जो टीचर्स ने कोरोना काल में करे, जिनको लोग कहते हैं कि फ्री की सैलरी ली है। कुछ अपने टीचर्स के बारे में कुछ शब्द, कुछ लाइन अगर आप कहना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। कितनी रिस्पेक्ट आप करते हैं, क्या आपको टीचर्स के बारे में पता था, वो भी जरूर आप कमेंट में कीजिए। और अगर आप टीचर्स हैं तो शेयर तो आपका बनता ही है, अगर आप टीचर्स नहीं हैं तब भी आप टीचर्स के कामों को रिस्पेक्ट करते हुए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, टीचर्स की रिस्पेक्ट कीजिए। और कभी भी टीचर्स फ्री की सैलरी नहीं लेता। हाँ, हर कम्युनिटी में, हर समुदाय में मौज लेने वाले होते हैं, बंक करने वाले होते हैं। चंद टीचर्स के कारण, चंद लोगों के कारण पूरी समुदाय गंदा नहीं होता। कहते तो हैं लोग कि एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के कारण भले ही टीचर समुदाय बदनाम हो, लेकिन आज भी टीचर्स लगातार मेहनत में लगे हुए हैं और आपके बच्चों को पढ़ाने में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जय हिंद, जय शिक्षक एकता, जिंदाबाद।